टू द चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज होने वाला है एक प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी तो वीडियो को पूरा देख लेना। बात करने वाली हूँ गुड वाइब्स का चोको कॉफी ग्लो फेस स्क्रब। अब ये कैसा है, कितने का है और कैसा वर्क करता है, क्या ये आपको लेना चाहिए, कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं और कौन से सीजन में यूज कर सकते हैं, वो सारा ही कुछ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोग पूरा देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहीं पे बेल आइकन होगा प्लीज उसको भी हिट कर देना। वीडियो अगर वाकई अच्छा लगे तो लाइक दे देना और उसको शेयर भी कर देना। पैकेजिंग बिल्कुल नॉर्मल है जैसे कि गुड वाइब्स की प्रोडक्ट्स की होती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पीछे दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, एमआरपी भी दिया हुआ है। इसका जो एमआरपी है वो है 250 रुपीज, लेकिन डिस्काउंट प्राइस में मिला है तो बहुत अफोर्डेबल हो गया ये मेरे लिए। और जो इसका रिजल्ट है वो भी मैं किसी हद तक कहूँगी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिला है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने अभी 3 से 4 बारी ही यूज किया है। खुशबू काफी अच्छी है, कॉफी की, चॉकलेट की, इस तरीके की इसमें खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है। लाइक लिटरली मुझे खुशबू बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसके ऊपर एक लिड थी वो मैंने हटा दी, वो मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा मैसी लगती है, इसलिए मैं ऐसे कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जो लिड होती है वो हटा देती हूँ। तो चलिए आगे मैं इसका आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी, पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये है स्क्रब, इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ है, जो इसके बीट्स हैं वो भी बहुत स्मूथ है, लाइक बहुत हार्श नहीं लगेंगे आपको स्किन पे। इसको यूज़ करने के बाद में स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, बहुत अच्छे से यू नो हाइड्रेट फील होगा आपकी स्किन के ऊपर और आपके पोर्स को भी अच्छे से क्लीन कर देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी यू नो स्किन ड्राई हो रही है इसको यूज़ करने के बाद में। और अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत भी यू नो फ्लेकी है तो वो जो भी डेड स्किन है आपके फेस की वो सारे ही ये रिमूव कर देगा अच्छे से। बस आपको करना क्या है, हफ्ते में 2 बारी इसको यूज़ करना है। अगर आप 2 बार यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ये कब यूज़ कर सकते हैं, लाइक कौन से सीजन में और कौन से स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली बता रही हूँ ये वाला स्क्रब आप लोग कोई भी सीजन में यूज़ कर सकते हैं और सारे ही स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एक्ने प्रोन स्किन फंबल तो जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है इसके जो बीट्स हैं वो थोड़ा सा आपको हार्श लगे, लेकिन उतने हार्श है नहीं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलूंगी जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप लोग इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके स्किन पे नहीं होगी। और अगर इसको यूज़ करने के बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है आपके फेस के ऊपर तो प्लीज़ आप इसको यूज़ ना करें। बाकी तो आप अगर इसको हल्के हल्के हाथों से यू नो अपने फेस पे लगा के स्क्रबिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड वाइब्स जैसे ब्रांड का प्रोडक्ट है तो बिल्कुल सेफ है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसमें मिनरल ऑयल्स नहीं है, एनिमल के ऊपर टेस्टेड नहीं है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डेमो की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिडन ट्रिक दे रही हूँ जो कि मैं पर्सनली अपने स्किन केयर में यूज करती हूँ। हालांकि वो कभी मैंने ऐसे वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो हमें बहुत जल्दी जल्दी बनानी होती है, ये भी ध्यान में रखना होता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। अगर आप इस तरीके का कोई भी स्क्रब यूज कर रहे हैं ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेनी है स्टीम। ये तो नॉर्मली मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है आपको कि आपको स्टीम लेनी है 1 या 2 मिनट तक। उसके बाद में आप क्या करें, जब भी इस तरीके का यू नो आप फेस स्क्रब यूज कर रहे हैं आप हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और मैं ये कहूँगी कि ठंडे पानी को आप लोग अवॉइड कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी स्किन में आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट देखने मिलेगा, बहुत स्मूथ हो जाएगी आपकी स्किन। मैं तो पर्सनली यही ट्रिक यूज करती हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट की। तो एमआरपी आई थिंक अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 250 रुपीज़ है।
लेकिन ये मुझे मिला है ऑफर प्राइस में जो कि था 160 रुपीज। आप इसको पर्पल से लीजिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। आई थिंक सो फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अफोर्डेबल रेंज में ये काफी अच्छा फेस स्क्रब लगा है मुझे, बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है इसको यूज करने के बाद में। बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।